स्वागत है दोस्तों आपका एक और फ्रेश एपिसोड में हमारे टेक न्यूज सेक्शन के। सो दोस्तों देख लेते हैं क्या है खास हमारे आज के टेक न्यूज सेक्शन में। सो दोस्तों वीडियो के अंत तक देखना ना भूले। मैं हूं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। दोस्तों पहली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है हुवाई की तरफ से। जी हाँ, हुवाई का एक और जो है ऑनलाइन लीक हुआ है फोटो, जिसमें ये देखने को मिल रहा है कि हुवाई का मेट 30 प्रो जो है वो यहाँ पे स्पॉट किया गया है, जिसमें जो है रेयर कैमरे जो है 5 जो है हमें देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो है कंपनी ने अभी रिसेंटली एक अनाउंसमेंट करी है कि 2019 का पहला जो स्मार्टफोन है वो जनवरी में ही जो है लॉन्चिंग होने जा रहा है। यहाँ पे ऑफिशियली इन्विटेशन जो है कंपनी ने भेजने स्टार्ट कर दिए हैं। जी हाँ, ये फोन जो है Y9 2019 जो है वो लॉन्च होने जा रहे हैं इंडिया के अंदर हुवाई का, वो भी 7 जनवरी को। दोस्तों अगर 7 जनवरी को लॉन्च होगा मार्केट में, कब तक ये अवेलेबल होगा, यानी कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, ये तो अभी वक्त ही बताएगा। अगली जो अपडेट है दोस्तों वो है एंड्रॉइड और iOS के ऑपरेटिंग सिस्टम को लेके। जी हाँ, एप्पल ने एक बार फिर से जो है गूगल को पीछे छोड़ दिया है अपने अपडेट्स में। यहां पे अगर जो नया अपडेट देखे एप्पल का जो कि है iOS 12, बहुत ही जल्दी जो है यहां पे 78% डिवाइस पे जो है ये अपडेट जो है वो हो गया है। और वहीं पे अगर हम एंड्रॉइड की बात करें तो यहां पे जो है एंड्रॉइड काफी पीछे छूट गया है। तो यहां पे अगर मैं एंड्रॉइड नॉगट की बात करूं तो यहां पे करीब 28% डिवाइसेस में जो है ये अपडेट देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर हम बात करें एंड्रॉइड के ओरियो और मार्शमेलो की, तो ये जो है करीब 21% डिवाइसेस में ही अपडेटेड है। तो यहां पे जो है एप्पल हमेशा की तरह जो है अभी भी एंड्रॉइड वर्सेस अगर iOS की बात करें तो एप्पल जो है सबसे पहले आगे आ रहा है। अगली जो अपडेट है दोस्तों वो अगेन हुवाई की तरफ से। जी हाँ, नए साल की मुबारक देने के लिए हुवाई का जो एक एम्प्लॉय जिसने जो है आईफोन का इस्तेमाल कर दिया, तो वहीं पे जो है हैप्पी न्यू ईयर विश करने के लिए ये इस्तेमाल किया गया था, तो वहीं पे जो है यहाँ पे कंपनी ने उस एम्प्लॉय को जो है काफी ज्यादा पेनल्टी लगाई है। और यहाँ पे उस पेनल्टी को पे करने के बाद शायद उसको कंपनी से भी जो है निकाला जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे जब जो कि एक हुवाई एक खुद एक स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर है, वहां पे जो है अगर ऐसी गलती हो जाए तो ये बहुत ही बड़ी कंपनी की इमेज पे जो है इफेक्ट करता है। अगली जो अपडेट आ रही है दोस्तों वो आ रही है एरिक्सन की तरफ से। जी हाँ, एरिक्सन जो कि इंडिया के अंदर टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, यहाँ पे जो है उन्होंने सेकेंड अपना पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है फाइल कर दिया है। अगर उस सेकेंड पिटीशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है उसमें बताया गया है अनिल अंबानी जो कि है आरकॉम के चेयरमैन हैं, उनको जो है यहाँ पे बैन करने की बात करी गई है ओवरसीज ट्रेवल के लिए, यानी कि अब्रॉड ट्रेवल के लिए जो है रिक्वेस्ट करी है कि उनको जो है बैन कर दिया जाए, क्योंकि उनका जो है एरिक्सन के ऊपर में करीब 550 करोड़ का जो है अभी तक ड्यूज जो है पेंडिंग है, और जब तक ये क्लियर ना हो जाए उनको जो है अब्रॉड जो है ट्रैवलिंग बैन कर दी जाए। और साथ ही साथ अगर ये ड्यू जो है ड्यू टाइम में जो है अगर क्लियर नहीं होते हैं तो हो सकता है कि अनिल अंबानी को जो है यहाँ पे जेल भी हो सकती है। दोस्तों सिम स्वैप फ्रॉड के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, सिम स्वैप फ्रॉड जो है वो काफी समय से जो है इंडिया के अंदर चर्चित है, यानी कि जितनी भी मेट्रो सिटीज हैं यहाँ पे बहुत सारी जगह पे जो है इसके अगेंस्ट में कंप्लेंट्स जो है फाइल करी गई हैं कि ये जो सिम स्वैप फ्रॉड जो की है हमारे बैंक से जो काफी से ज्यादा जो पैसा जो है इस सिम स्वैप फ्रॉड के जरिए निकाला जा रहा है। तो ऐसा ही कुछ केस जो है मुंबई के एक बिजनेसमैन के सामने और आया है। यहाँ पे जो है बिजनेसमैन ने जो फाइल करा है उसने ये बताया है कि करीब जो है 1.86 करोड़ जो है उसके अकाउंट से जो है वो ट्रांसफर कर लिए गए हैं इस सिम स्वैप फ्रॉड के जरिए। जी हाँ, वो रात को जो है सो रहा था और सोते सोते जो है करीब 6 मिस कॉल आई और वहां पे जो है ये सिम जो है स्वैप हो गई। तो यहाँ पे ये सिम स्वैप फ्रॉड जो है अभी तक इसमें कोई भी सक्सेस नहीं मिल पाई है कि कहां से किस तरह से ये जो इस चीज को जो है एग्जीक्यूट किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो है अभी हमें ये सावधान रहना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई मिस कॉल्स आती हैं तो और हमें जो है तुरंत ही इस चीज पे एक्शन लेना है। हो सकता है कि वो आज वहां पर हुआ है तो कल को हमारे साथ भी ये सिम स्वैप फ्रॉड जो है वो हो सकता है। सो आई होप कि आपको ये सारी अपडेट जो है काफी पसंद आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल का आइकन दबा लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।